शानदार और सबसे अच्छी आवाज हो, लेकिन उसके लिए तो हमें जो परिश्रम है वो तो करना ही पड़ेगा। जो सर का बनाया हुआ बहुत सारे नियम कायदे हैं, उसके मुताबिक हम अगर चले तो आवाज की जो समस्या है बहुत ही हद तक कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। मैं अभी पिछले लगभग 4-5 महीनों से एक्टिव नहीं हूं, लेकिन सर के बताए हुए टेक्निक और सर का जो टास्क है मैं इसको फॉलो करता हूं। और हमें अब लगता है कि नहीं, मैं अब अच्छी तरह से बोल सकता हूं, क्योंकि हमारी चाह था कि हमें एक अच्छी व्यक्ति की तरह बोलना है, जो हमेशा जिस प्रकार मोटिवेशनल स्पीकर है वो सब बोलते हैं, तो उसी तरह से हम लोग, एक कहावत है कि जहां चाह है वहीं पर राह है, तो हम लोग अगर चाह लें कि आवाज को पूरी तरह से ठीक करना है तो हम लोगों को कोई नहीं बोल सकता कि तुम नहीं कर पाओगे। आखिर शुरुआती में लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ये करने से नहीं होता है, लेकिन अगर ठान ले कि हमें उसको करना ही है, जो चीज को ठान ले वो करना ही है, तो वो कम से कम 3 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा आप अपने अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे। तो सभी लोग जो जो इस थेरेपी से जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी चाह बना ले कि हम अगर जिस काम के लिए जुड़े हैं, मैं उस काम को जब तक करूंगा नहीं तब तक चैन का नींद सोऊंगा नहीं। तो मैं आज इतना ही बोलूंगा, तो मैं भी लगभग कुछ दिनों से भी एक्टिव नहीं था, तो आज मैंने अपना बड़े दिनों बाद टॉपिकाना स्पीच बोला, कई महीनों बाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।